हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बढ़िया हो गए। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी का सीन ये है, जस्ट मैं उठा, सुबह 5:30 बजे हैं और मैं आपको व्यू दिखाऊँ ना, इतना ज़बरदस्त व्यू है ना, एकदम मतलब सावन के महीने में मैंने आज तक इतना बड़ा हो गया मैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। एकदम पूरी फोग ही फोग है, ज़बरदस्त। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो व्यू, देखो जी व्यू, देखो पूरा फोग ही फोग। देखो ये देखो, वो देखो सामने पेड़ दिखाई भी नहीं दे रहा अभी तक, है ना। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा मौसम, और अब की बार ये देखा है पहली बार। और पार्थ अपने आराम से यहाँ पे सो रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है। गाइस फिलहाल मैं नहा धो के हो गया हूँ, रेडी और सेट। और ये देखो मम्मी जी और पार्थ, पार्थ भी उठ गया और मम्मी है ना लगी हुई है इसको खाने दिलाने में। ये देखो देखो नहा धो के रेडी हो गए पार्थ भी और मम्मी। अभी केला चल रहा है डाइट में, तो ब्रेकफास्ट में इनके केला चल रहा है, ठीक है। तो हम भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। सो गाइस फिलहाल खाना वाना तो खा लिया अभी, है ना, सो के मैं सो गया था, उसके बाद मैं अभी उठा हूँ। तो उठने के बाद है ना, देखा मम्मी भी सो रही है और पार्थ भी सो रहा है। तो मम्मी जी नीचे सो रही है और पार्थ ऊपर सो रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मम्मी जी यहाँ पे आराम से सो रही हैं और पार्थ अपने ऊपर सो रहा है, क्योंकि मम्मी जी जब तक सोएंगे ना तब तक पार्थ सोएगा, और पार्थ जैसे ही आ जाएगा तो मम्मी जी उठ जाएंगी। पूरे दिन मम्मी जी भी थक जाती हैं बेचारे काम करते करते, क्योंकि मम्मी जी है ना पार्थ को गोद में लेके घूमती रहती है। तो वो ऐसे नीचे अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ गया वहाँ गया इधर उधर घुसता रहता है कहीं कहीं, तो डर लगता है ना कहीं गिर ना जाए लग ना जाए, तो उस वजह से। तो मम्मी है ना तब तक वो सोता ना जब तक मम्मी सोती है, तो दोनों बराबर ही सोते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक आते ही मम्मी के पास आ जाता हूँ। तो अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी ना भूख लगी है बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए आज हम बनाएंगे मैगी रोटी, तो चलिए मैगी रोटी बनाते हैं और फिर खाते हैं, लेट्स गो। हाँ पानी भी आया हुआ है, तो ये पानी मैंने भर दिया है, देखो ये देखो पीछे सारी बाल्टियाँ और ये टब मैंने भर दिया है। तो अभी चले फटाफट से मैगी रोटी बनाते हैं और तैयार करके फटाफट से खाते हैं, लेट्स गो। मैगी रोटी बनाने के लिए तैयार कर दी मैंने प्याज, और इसके अंदर मैगी और रोटी डाल दी है, मैगी भी रोटी भी दोनों ये उबाल लिए मैंने। और अभी है ना इसको घी में छोंक लगा के फिर रेडी करके हम आपको दिखाते हैं, चलो लेट्स गो। अभी हमने टमाटर भी काट लिए। सो गाइज अपनी मैगी और रोटी तैयार हो चुकी है, अभी है ना थाली में डाल के और खाते हैं फटाफट से। और मम्मी अपने आराम से सो रही है, मम्मी को परेशान नहीं किया तो मैंने खुद ही तैयार कर लिए, तो चलिए फटाफट से डाल के खाते हैं, लेट्स गो। सो गाइज पार्थी भी उठ के आ गया है और इसको भी मैं मैगी खिला रहा हूँ, तो चलिए हम दोनों मिल के मैगी खाते हैं। तो हाँ मैगी तो खा ली, तो अभी रेस्ट करते थोड़ी देर। यहाँ पे देखो पेड़ ने ना ऊपर पूरी बेल ही बेल एकदम। सो गाइस फिलहाल मैं तो सो गया था, रेस्ट किया मैंने पूरा 1 घंटा का मैं सोया हूँ। उसके बाद है ना ये पार्थ, अभी देखो ये पार्थ सो गए यहाँ पे, अभी इसको सोने देते हैं, शोर नहीं मचाएंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये उठ गया ना तो फिर शांति भंग है हमारी। सो गाइस फिलहाल अभी हम आए हैं खेतों की तरफ घूमने के लिए, तो शाम हो गई थी और शाम के बजे हैं अभी 6, तो एकदम सूर्य देवता धीरे धीरे जा रहे हैं। और मेरे पीछे पूरा ये बाजरा, पूरे बाजरे के खेत हैं ये, और मैं ये बाजरा जो बड़ा हो गया बाजरा वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पीछे वहाँ पे एक किसान लगा हुआ है पशुओं के लिए आ रहा चारा काटने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो पशुओं के लिए किसान चारा काट रहा है, यहाँ पे एकदम हरे हरे हरियाली, पशु इनको खा के ना पूरा मस्त हो जाते हैं। यहाँ पे ये भी बाजरा है पशुओं के खाने के लिए, और ये काफ़ी लंबी हो जाती है लगभग 10-10 फुट की, और ये छोटे बाजरा, ताकि ये इसलिए छोटा है क्योंकि ये लेट बोया गया था ना यहाँ पे, इसलिए छोटा है। ये अपने सूर्य देवता एकदम देखो कितनी मस्त सीनरी है ना, गजब। सो गाइस मैंने अभी तो लगभग 1 घंटे पहले हवा भरी थी ग्राउंड से आते ही, तो अभी भरते ही हवा, देखिए थोड़ी देर बाद में
अभी बिल्कुल हवा निकल गई यार, तो अभी चलते हैं फटाफट से हवा भरवा के, मतलब हवा फिर से भर के और वहाँ पेंचर लगवाने के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से हवा भर के पेंचर लगवाने। तो वो ऐसा ही है, तो अभी चलते हैं, मिल जाएगा तो बन जाएगा काम, नहीं तो फिर एक दो घंटे वेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो निकल जाएगा कहीं इधर उधर चला जाता है, उसका कोई ठिकाना विकाना नहीं है, ऐसा ही है बस। चलते फिरता भरवाई थी, पता नहीं यार क्या दिक्कत आ गई, देखो बिल्कुल ये देखो, अभी फिर से देखा तो फिर से हवा निकल गई इसके अंदर से। तो अभी चलते फटाफट से पंचर लगवाने। तो पंचर लगवाने के लिए मैं जा रहा हूँ गांव में, तो गांव में है वो, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो है मस्त मौला आदमी, ऐसा है वो, मिल भी जाए ना भी मिले, तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल मैं उनके घर तो आ गया, तो अभी है ना वो मिल गया था, तो वो बोल रहा मैं थोड़ी देर में आऊँगा, वो मुझे रास्ते में मिला, तो कहीं काम गया है तो वह आएगा 5-10 मिनट में, तो तब तक मैं वेट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी वेट करते हैं, वो आएगा तब देखें क्या कुछ प्रॉब्लम है, बोला छोड़ के चले जाओ एक दो घंटे में आके ले जाना। अच्छा ये भाई सब ठीक है, एलोवेरा बो रखे हैं, एलोवेरा ये गुआर पट्टा, अच्छा अच्छा गुआर पट्टा कितने बना रखे हैं, बढ़िया है ये अच्छी। तो अभी साइकिल फ्री कर दी, अभी चलते हैं घर। फिलहाल मैं उनके घर से आ गया हूँ अपने घर, और वो मेरी और उनसे बात हो चुकी थी, तो वो बोल रहे थे मुझे काम है, तो एक दो तीन काम मैं निपटाऊँगा, उसके बाद मैं इस पंचर लगाऊँगा। तो मैंने बोला था आपको कि वो ऐसा ही है मस्त मौला आदमी, करेगा तो करेगा, वैसे हाँ भर ली उसने कि मैं कर दूँगा, लेकिन मन मर्जी का है उसका काम, तो बोला एक दो घंटे में आके ले जाना। तो अभी वेट ही करेंगे और तो क्या कर सकते हैं, तभी एक दो, और ना उसके मेन बात है उसके पास फ़ोन भी नहीं है, मतलब कहाँ कहाँ ढूंढें उसका, हम कहीं नहीं ढूंढ सकते, और अड़ोस पड़ोस को भी नहीं पता रहता कहाँ गया कहाँ नहीं, गांव में है या बाहर गया, तो बस क्या बताएं। तभी वो हमारी किस्मत अच्छी थी वो मिल गया, नहीं तो गाँव से बाहर जाना पड़ता 2-3 किलोमीटर दूर, और फिर वो पंचर लगवाना पड़ता, ठीक है। तो अभी बस मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तभी बस उनका वेट करेंगे एक दो घंटे हो जाए, फिर उसके बाद घर जाते हैं और साइकिल को लेके आते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी बस वेट ही करेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते उसका, और उसने हाँ भर ली भाई बहुत बड़ी बात है, बोल दे मैं तो नहीं लगाता या कुछ भी कर दे ऐसा ही टाल दे मतलब बातों को। तो अभी बस उसने हाँ भर ली, दो घंटे बाद मैं आपको साइकिल को ले के आ जाऊँगा अपनी, ठीक है। तो पार्थ है ना यहाँ पर सो गए आराम से, देखो कैसे सो रहे हैं फुल बेड पर, इसको पूरी जगह चाहिए। सुबह फिलहाल खाना वाना हो गया है, और अपने पार्थ भी सो गया और मम्मी भी सो गई, अभी रात के हो गए हैं 10, तो अभी पियेंगे दूध, ठीक है, और एक सेब भी खाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा पेट में ना गड़बड़ हो रखी है, तो सेब खाने से ना खाना है ना हजम हो जाएगा, पाचन क्रिया बढ़िया हो जाएगी,